और चलिए अब आपको सीधा विद्यार्थी मित्रों से जुड़ी खबर पर ले जाते हैं। दिन में विद्यार्थी मित्रों ने राजस्थान विधानसभा पर प्रदर्शन किया तो शाम को उग्र होते ही ये विद्यार्थी मित्र विधानसभा के नजदीक ज्योति नगर इलाके में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। शिक्षा इस पानी की टंकी पर चढ़े विद्यार्थी मित्र रोजी रोटी के जुगाड़ की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों का ये प्रदर्शन है, करीब जो खबर है उसके मुताबिक 5 विद्यार्थी मित्र है जो शिक्षा संकुल के पास, आप कीजिएगा ज्योति नगर नहीं, शिक्षा संकुल के पास बनी इस पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, अपनी मांगों को कायम करने की मांग कर रहे हैं। दिन में विधानसभा पर इनका प्रदर्शन हुआ था, उसके ठीक बाद पुलिस अब प्रदर्शनकारियों से समझाइश की कोशिश कर रही है। विद्यार्थी मित्र फिलहाल मिल रही खबर के मुताबिक पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। सहयोगी अभिमन्यु सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं जयपुर से। अभिमन्यु, आपसे जानना चाह रहे हैं कि खबर है 5 विद्यार्थी मित्र हैं जो फिलहाल पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, क्या पुलिस की वार्ता उनसे हो पाई, समझाइश को लेकर क्या दौर चल रहा है और क्या कोई प्रतिनिधि मंडल बना है जो इनसे मांगे इनकी मांगों को लेकर बात होगी उनसे? देखिए, पुलिस ने यहाँ नीचे से कोशिश कर रही है लगातार इनसे संपर्क करने की कि ये कैसे ना कैसे बात मानकर नीचे आ जाएं, लेकिन ये कोई भी चीज़ सुनने को तैयार नहीं है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार से बात होगी और अगर कोई ऊपर आता है तो जो हमारे साथ जो भी कुछ होता है उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर ये नीचे आने को बिल्कुल जो राजी नहीं है। साथ ही पुलिस नीचे अपनी व्यवस्थाओं में जुटी हुई है कि कैसे ना कैसे इनको नीचे उतारा जाए, पहले समझाइश का दौर चल रहा है, लेकिन ये सीढ़ियों से ऊपर आने के लिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोई ऊपर आया तो हम कोई भी अनहोनी होगी तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन खुद होगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा अमला पुलिस का मौजूद है, कई आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, साथ ही जो यहाँ पर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड पूरी टीम को यहाँ बुला लिया गया है ताकि कैसे भी इनको नीचे उतारने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही इनके प्रतिनिधिमंडल से भी बात की जा रही है और ऊपर जो ये मौजूद हैं उनसे भी फोन पर संपर्क किया जा रहा है, लेकिन उनका साफ तौर पर नीचे आने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम नीचे बिल्कुल नहीं उतरेंगे। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो टंकी पर चढ़े रहेंगे। क्या पुलिस से या फिर किसी और से ये खबर मिल पाई है कि इन विद्यार्थी मित्रों की मांगों को लेकर क्या अब कोई प्रतिनिधि मंडल है वो तैयार हो चुका है, वो सरकार के पास जाएगा, शिक्षा संकुल के पास ये लोग पहुंचे हैं क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उसको लेकर क्या शिक्षा मंत्री को कोई ज्ञापन सौंपा जाएगा? देखिए, ये सारे जो ज्ञापन का दौर था वो लगातार चलता हुआ आ रहा है, लेकिन 16 तारीख जो इन्होंने निश्चित की थी विधानसभा के घेराव की और वहाँ पर भी लगातार घेराव किया शिक्षा मित्रों ने, सुबह वहाँ पर लगातार घेराव रहा और उसके बाद उनका एक प्रतिनिधिमंडल जो कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मिला भी होगा, लेकिन ये लोग वहाँ न होकर यहाँ पहुँचे हैं। कई और भी जो अलग अलग विद्यार्थी मित्रों ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश की, कहीं पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया तो विधानसभा का घेराव भी भारी संख्या में विद्यार्थी मित्रों ने किया, लेकिन ये 5 युवक यहाँ ऊपर मौजूद हैं और लगातार ये किसी भी तरीके की बातचीत से इनकार कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री खुद आश्वासन देंगी, जो उनकी मांगे लगातार बनी हुई हैं जिनको पूरा करने की, उसी के बाद ये उस नीचे उतरने पर राजी होंगे। तो जो साफ तौर पर पुलिस अधिकारी हैं वो भी काफी असमंजस की स्थिति में है कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए, लेकिन यहाँ पर पूरी अभिमन्यु किसी से मोबाइल पर बात हो पाई है? ये जो 5 लोग ऊपर टंकी पर चढ़े हुए हैं इनमें से किसी से पुलिस अधिकारियों की बात हो पाई है? जैसा कि आपने कुछ देर पहले बताया कि मोबाइल के जरिए संपर्क की कोशिश की जा रही है, और क्या यह पता चल पाया है कि ये 5ों कहां से हैं? देखिए, अभी तक 2 नाम इसमें सामने आए हैं, जिसमें एक डूडी करके एक व्यक्ति हैं जो ऊपर मौजूद हैं, जिनसे पुलिस ने संपर्क करने की कोशिश की थी, जिनसे बात करने का प्रयास किया गया है और लगातार पुलिस अभी भी संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। उनका यही कहना है कि आप लोग नीचे आ जाइए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रशासनिक और राजनीतिक चीज़ें हैं और यहाँ से उसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता। टंकी पर चढ़ने से कोई हल नहीं निकलेगा, आपको बैठकर मेज पर बात करनी होगी, आला अधिकारियों से जो राजनीतिक मंत्री हैं उनसे बात करनी होगी, क्योंकि ये रास्ता जो है वो उचित यहाँ पर कतई भी नजर नहीं आ रहा।
बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस कोशिश कर रही है, आप नज़र बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास में, लगातार अपडेट लेते रहिएगा कि आखिर सूरत हाल में कितनी जल्द यहां पर तब्दीलियां देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु आपका। तो जयपुर से बड़ी खबर, शिक्षा संकुल के नज़दीक 5 विद्यार्थी मित्र आज पानी की टंकी पर चढ़ गए, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ये लोग सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। दिन में विधानसभा पर प्रदर्शन किया था और उसके बाद शाम होते ही सूरज ढलने के ठीक पहले ये लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और सरकार के सामने अपनी मांगों पर तुरंत अमल की जो बात है उन्होंने पेश की। साफ तौर पर कहा कि सरकार ने उनके साथ चुनाव से पहले किए वादों को लेकर कोई फैसला नहीं दिया, ऐसे में सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये विद्यार्थी मित्र उन्हें नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा संकुल से सीधी तस्वीरें फिलहाल आप फर्स्ट इंडिया पर देख पा रहे हैं, टंकी पर साफ तौर पर आपको नजर आ रही है। दिन में जब विधानसभा पर प्रदर्शन हुआ पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर करीब शाम 6 बजे के आसपास जब विद्यार्थी मित्र खबर मिली हमें कि ये टंकी पर चढ़ चुके हैं, पांचों की तस्वीर साफ तौर पर बीच वाले विंडो में आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद अब ताज़ा जो कोशिश है, समझाइश का जो दौर है उसकी वो तस्वीर, फायर ब्रिगेड आपको नजर आ रही होगी पानी की टंकी के ठीक नीचे, हर इंतजाम करके पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। खबर मिली है उसके मुताबिक 2 लोगों की पहचान हो चुकी है, जो लोग टंकी पर चढ़े हैं उनसे मोबाइल नंबर्स के जरिए कोशिश की जा रही है कि बात हो जाए, मांगों पर अमल की जो बात है उस पर कहीं बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, कोई आपदा है उसको टाल दिया जाए। पूरी तस्वीर, दिन भर का घटनाक्रम, विद्यार्थी मित्रों का ये आंदोलन सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं।